एक पॉजिटिव चीज़ आ रही थी, पाकिस्तानी रुपए के कदर में बेहतरी देखने में आ रही है। इंटर बैंक में डॉलर 3.65 रुपये सस्ता हो गया, तो इस तरह डॉलर की कीमत 236 पर आ गई है। साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान देखा जा रहा है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, गुड स्टार्ट टू द वीक। बिल्कुल फैसल, अच्छी खबर है। जिस डॉलर ने पूरी मईशत को हिला के रखा हुआ है, सब लोग परेशान हैं। अब इसहाक डार के वजीर खजाना नामजद होते ही हम देख रहे हैं कि उसकी डॉलर की कदर में रिवर्स गियर लगा है। एक घंटे में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो एकदम से 3.65 रुपये नीचे आया है और इस वक्त जो है 236 रुपये पे जो है वो ट्रेड हो रहा है। ओपन करेंसी मार्केट में जो है वो जुमे और हफ्ते ही से डॉलर की कदर गिरना शुरू हो गई थी, जब से खबरें आनी शुरू हुई कि साकदार वापस आ रहे हैं और वजीर खजाना बनेंगे। तो हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वापस आ रहा है और ये मईशत के लिए भी बहुत अच्छा है। यही वजह है कि आज स्टॉक मार्केट में भी सुबह से तेजी का रुझान है। 330 पॉइंट से ज्यादा का वहाँ पे इजाफा हो चुका है। 41,000 पॉइंट की हद बहाल होने वाली है। ब्रोकर्स का भी वहाँ यही कहना है कि साकदार चूंकि कामयाब वजीर खजाना थे और उन्होंने अपने दौर में डॉलर को कंट्रोल भी करके रखा था, तो इसी वजह से जो है वो आज जो है वो डॉलर जो है जब नीचे आया तो स्टॉक मार्केट भी बेहतर होती नजर आई और स्टॉक मार्केट में एतमाद बहाल होता दिखाई दे रहा है। जी